अगस्त 2024 में प्रदोष व्रत कब है नमस्कार स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने में दो बार प्रदोष व्रत आते हैं कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में दोनों प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होते हैं मान्यता की शिव जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में चली परेशानियों से छुटकारा मिलता है और मनोकामनाएं पूरी होती है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगस्त दो में प्रदोष व्रत कब है लेकिन वीडियो देने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहले बुरा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे चलिए वीडियो का शुरू करते हैं अगस्त दो हजार चौबीस में श्रावण कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत एक अगस्त दिन गुरुवार को है पर्दोश काल पूजा का समय रहेगा शाम को सात बजकर बारह मिनट से रात्रि नौ बजकर अठारह मिनट तक त्रयोदशी तिथि शुरू होगी एक अगस्त दो हज़ार चौबीस को दोपहर को तीन बजकर अट्ठाईस मिनट पर तो त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी दो अगस्त दो हजार चौबीस को तो दोपहर को तीन बजकर छब्बीस मिनट पर अगस्त दो हजार चौबीस में श्रावण शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत सत्रह अगस्त दिन शनिवार को है प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम को छह बजकर अठावन मिनट से रात्रि नौ बजकर नौ मिनट तक त्रयोदशी तिथि शुरू होगी सत्रह अगस्त दो हजार चौबीस को सुबह आठ बजकर पाँच मिनट पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी अठारह अगस्त दो हजार चौबीस को सुबह पाँच बजकर इक्यावन मिनट पर अगस्त दो हजार चौबीस में भाद्रपद करी समपक्ष प्रदोष व्रत इकतीस अगस्त दिन शनिवार को है प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम को छह बजकर तिरालीस मिनट से रात्रि आठ बजकर उनसठ मिनट तक त्रयोदशी तिथि शुरू होगी इकतीस अगस्त दो हजार चौबीस को रात्रि दो बजकर पच्चीस मिनट पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी एक सितंबर दो हजार चौबीस को रात्रि तीन बजकर चालीस मिनट पर तो यह था हमारा आज का वीडियो हमारे तो अधिक जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भी मत बोलिए है। मिलते हैं प्रकार के और नए वीडियो के साथ धन्यवाद